हेलो फ्रेंड्स, मेरे बीच में हर्षित कौर जी बैठी हैं जिन्होंने जुलाई 21 में अपना सीए इंटर का एग्जाम दिया और वो अब फाइनल में आ चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई। फाइनल में आने की खुशी अलग होती है और इन्होंने अपने FM NECO में एग्जेम्पशन सिक्योर किया है। बहुत अच्छे मार्क्स इन्होंने सिक्योर किए हैं और इन्होंने FM NECO की तैयारी कैसे की, दूसरों को कैसे गाइडेंस आप देना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको सही गाइडेंस मिले और मुझे लगता है कि हर्षित कौर जी सही गाइडेंस दे पाएंगी। तो हर्षित कौर जी प्लीज बताइए, FM ECO में आपने ऐसा क्या किया, इतना कमाल कैसे किया और इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए आपको, और कैसी खुशी हो रही है फाइनल में आने की, और आगे चलकर अब फाइनेंस में क्या करना है आगे चलकर, और कैसे अपने रास्ते को और आगे बढ़ाना है, थोड़ा वो भी गाइड बताएं, वो भी थोड़ा रोड मैप बताएं। यस सर, एक्चुअली मैंने कुछ खास तैयारी तो नहीं की। जो आपके नोट्स थे, जितने सम्स थे आपकी बुक में से, उनको मैंने कम से कम 3 बारी प्रिपेयर किया बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया। हर एक सम को मैंने 3 3 बार किया, वो भी मैं ABC एनालिसिस कर लेती थी। जो ए कैटेगरी सम थे उनको 3 बारी किया, बी कैटेगरी को 2 बार, सी कैटेगरी को तो 1 बारी करके छोड़ दिया था। बट किया मैंने सिर्फ आपकी बुक से। इकोनॉमिक्स तो स्पेशली इतना, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने पूरा बड़ा बड़ा मॉड्यूल पढ़ा ICI का, बट मैंने सिर्फ आपकी वो छोटी सी बुक पढ़ी थी, उसी में से सारा पेपर आया। सारा कवर था उस बुक में, भी मैंने 100% कवर किया है। और वो बहुत प्रिसाइसली कवर्ड है कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और एग्जाम से पहले स्पेशली जब 1.5 दिन मिलता है तो उसमें तो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना पूरे बड़े मॉड्यूल से बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी बुक से बहुत इजीली कवर हो गया था वो मेरा, और बहुत जल्दी भी। FM में जो हम स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन बताते थे, वो कैसा लगता था? उसमें तो मेरा एक्चुअली पहले डीमैट अकाउंट भी नहीं था, तो आपके लेक्चर्स देखने के बाद मैं मोटिवेट हुई कि नहीं, मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो मैंने उसके बाद ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, और अब मैं थोड़ा ट्रेडिंग में तो नहीं कह सकते बट इन्वेस्टिंग में इंडल्ज हुई हूँ मैं, सिर्फ आपके लेक्चर्स के बाद ही। पहले मतलब मेरे को थोड़ा बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था इसके बारे में। कैसा लगता है प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना? सर, इसी के लिए तो मैं सबको आपका लेक्चर सजेस्ट करती हूँ, जो भी पूछता है। लाइक कि सर के लेक्चर्स पूरे प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होते हैं, तो इसीलिए आपके लेक्चर्स बेस्ट लगते हैं मुझे। और जो एग्जाम ओरिएंटेड जो हम नोट्स आपको देते हैं, वो कैसा लगा आपको रिवीजन करने के टाइम? सर, वो नोट्स ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि उनको मैंने एक बारी उनको रिव्यू कर लो ना, उसके बाद दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा देते हो प्रैक्टिकली, अगर कोई फॉर्मूला नहीं भी आता है तो आप पूरे डेरिवेशन बताते हो उसकी। तो एग्जाम में बैठो, फॉर्मूला नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत डेरिवेशन के कारण वैसे ही हम बना लेते हैं फॉर्मूला वहां पर भी। वेरी गुड। अब आगे चलकर फाइनल का कैसे करना है? तो फाइनल्स का तो अभी ऑफकोर्स मैं आगे क्लासेस जो मेरी SFM की होंगी वो तो सोचा ही हुआ है कि आप ही से लेंगे, तो पेनड्राइव क्लासेस साथ में मैं सोच रही हूँ कि अभी बिग फोर के लिए ट्राई कर रही हूँ, इंटरव्यूज चल रही हैं बिग फोर की, तो आर्टिकलशिप वही करने का सोचा है मैंने, और साथ साथ में क्लासेस लेंगे पेनड्राइव क्लासेस ही। बहुत अच्छा, अच्छे से प्लानिंग कीजिएगा। कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो जरूर बताइएगा, और दूसरों को भी कोई गाइडेंस आपसे चाहिए तो आप जरूर हेल्प कीजिएगा। सर, जरूर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हर्षित जी। थैंक यू आप सो ऐसी मच सर। सफलता के मुकाम को छूते रहें, जिंदगी में आपका हमेशा नाम हो, आपके पेरेंट्स हमेशा आप पे प्राउड फील करें, और हम टीचर्स को आप हमेशा एक गर्व का भाव रहे कि नहीं, मुझे गर्व है कि आज मैं हर्षित कौर जी से मैंने बात की है। थैंक यू सो मच सर। चलिए हर्षित जी, थैंक यू सो मच।